गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले हम मंगलाचरण गाएंगे। रागादि रोगान शततान शक्तान ऐशेष काय प्रशितान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान यो है पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। देखिए, हमारा टॉपिक है वेग्रोधी के असाध्य लक्षण। त्रिट सूलार्थम त्यसेत सीनम विद्वम वेग्रोधिनम। मतलब जिसने वेगों को धारण करने से जो रोगी हो गया है, उसको यदि वह प्यास और सूल से पीड़ित है, कृश हो गया है या पुरुष का वमन करना है, तो उसकी चिकित्सा न करे, क्योंकि वह असाध्य हो चुका है। असाध्य मतलब उसका ट्रीटमेंट अब नहीं हो सकता। ऐसे पेशेंट का अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे यश की हानि हो सकती है। फिर आता है रोगा सर्वे अपि जयंते वेगोधीरण धारणे। मतलब जिसने वायु मल मूत्र आदि के उत्पन्न हुए वेगों को प्रयत्न पूर्वक उभार देने से और स्वभावतः उत्पन्न इनके वेगों के धारण करने से जो रोग बताए गए हैं वो सभी उत्पन्न होते हैं। अब इनकी सामान्य चिकित्सा क्या होगी कि वेगों को धारण करने से जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन इसी अध्याय में दिया गया है, ऊपर कर दिया गया था जो हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, वात दोष जो होता है अनेक प्रकार से प्रकोप हो जाता है, तो उसकी शांति के लिए हमें क्या करना है कि उसके अनुलोमक आहार विहार का सेवन करना है, औषध लेनी है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं धारणीय वेग। धारणीय वेग अर्थ ऐसे कौन से वेग है जिनको हमें धारण करना ही चाहिए। धारिये तो सदा वेगान हितेशी प्रेत्य चेह चय लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य रागादीनाम जितेंद्रिय। इस लोक तथा परलोक में जितने भी खुद का भला चाहने वाले, खुद का अच्छा चाहने वाले पुरुष नर नारी को लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सरता और राग द्वेष आदि के वेगों को हमेशा धारण करना चाहिए और सदा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करती रहना चाहिए। अब धारणीय वेग कौन से हो गए? लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सरता लाभ। लोभ क्या होता है? अगर इसका मिथ्या योग हो गया तो हानिकारक, किसी को ज़्यादा लोभ हो गया तो वो हानिकारक होता है, क्योंकि जैसे जैसे लोभ बढ़ जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ की प्रवृत्ति अधिक होती जाती है। ईर्ष्या मतलब दूसरे की, दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है उसे देख के जलन, उसे देख के जलना या दूसरे की सफलता को देख कर मन में एक अजीब सी प्रवृत्ति का होना, वो ईर्ष्या होती। मत्सरता दूसरों को दुखी देख कर प्रसन्न होना। राग विषयों में मन की आसक्ति होना। द्वेष दूसरों को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना। ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, हमें इन सब वेगों को धारण करना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। देखिए, धारणीय वेग में क्या होता है? मन के वेग क्या हुए? लोभ शोक भय क्रोध अभिमान निर्लजता ईर्ष्या राग अभिद्या। मतलब मन से दूसरों के साथ द्रोह करने की इच्छा रखना। वाणी के वेग क्या होंगे? किसी को कठोर वचन कहना या आवश्यकता से अधिक बोलना या चुगलखोरी करना, झूठ बोलना, ऐसा में एक बातें करना, इधर उधर की फालतू की बातें करना। और शरीर के वेग क्या होंगे? दूसरों को मारना पीटना लूटना, किसी प्रकार का बलात्कार करना, चोरी करना, डाका डालना, लाठी सोटा चलाना, लड़ाई करना, ये सब जो है हमें ये सब नहीं करने चाहिए। यदि मनुष्य विवेक और बुद्धि से काम ले तो इन कुकर्मों से वह बच सकता है और समाज में आदर पा सकता है। यही लक्षण है कि अगर धारणीय वेगों को रोकेंगे तो ऐसे करने से मनुष्य धर्म अर्थ काम स्त्री वर्ग का संचय और भोग भी कर सकता है। त्रिवर्ग यहाँ पे बोलते हैं धर्म अर्थ और काम को। अब शोधन की आवश्यकता। जो वातपित कफ दोष थे इनमें क्या होता है कि पुरुष आदि शारीरिक मलों का उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं तो वो कुपित होकर जीवन का विनाश करते हैं। अब आता है संशोधन कर्म की प्रशंसा। देखिए, दोषा कदाचित कुपियंती जिता लघन पाचने ये तो संशोधने शुधा न तेषाम पुनरुत्र। मतलब लंघन और पाचन क्रियाओं से जो भी हम दोष शांत करते हैं वो क्या होता है, कुछ समय पश्चात पुनः कुपित हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने वमन विरेचन मतलब अर्थात संशोधन करवाकर हमने जिन दोषों को शांत किया है वो दोबारा प्रकोपित नहीं होते हैं। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में समन और संशोधन दो प्रकार की चिकित्सा की विधियाँ बताई गई है। उनमें समय पर किया गया संशोधन उपचार अधिक उपादेय होता है, अधिक बेनिफिशियल होता है। अतः संचय काल में बढ़े हुए दोषों का अपहरण कर देने से पुनः जब दोष प्रकोप का निश्चित समय होता है उस समय दोष प्रकोप नहीं हो पाएगा। यदि आप उन दोषों का समन लंघन पाचन आदि उपायों से करेंगे तो वह दोष अपने समय पर प्रकोपित हो जाएंगे और रोग की उत्पत्ति हो सकती है। अब आता है रसायन वाजीकरण योगों का प्रयोग। यथा कर्म यथा योग्यता उद्र प्रयोजित रसायनानी सिद्धानी वृष्य योगाश्च कालवित। मतलब कालवित ऋतु संबंधी के ज्ञान को रखने वाला चिकित्सक संशोधन कराने के पश्चात विधिपूर्वक तथा क्रमशः सिद्ध रसायनों एवं वृष्य योगों का भी प्रयोग कराए। देखिए, रसायन और वाजीकरण संबंधी सिद्ध प्रयोगों का सेवन शरीर का संशोधन कराने के बाद ही कराना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारी एनर्जी बिल्कुल क्षीण हो रखी होती है, क्षय हो रखी होती है।
क्योंकि स्वच्छ और साफ वस्त्र पर रंग का प्रभाव जितना अच्छा होता है, उतने मैले वस्त्र पर नहीं होता है। अर्थात रसायन और विषय योगों के प्रयोग करने से पहले संशोधन अवश्य करा लें। मतलब जब शरीर ही शुद्ध होगा तभी तो रसायन और वाजीकरण से हमें पूरा लाभ मिल पाएगा। अब देखिए कालविद चिकित्सक का विशेषण दिया गया है, इसका इसके साथ क्या है, हमें त्रिविध देश, शारीरिक मानसिक बल, प्रवृत्ति, आहार, सातम्य आदि का भी ध्यान देना होगा। अब रसायन क्या होता है, रसायनों का आपको विस्तार से वर्णन तो मिलेगा चरक चिकित्सा के अध्याय 1 में, जिसमें 4 पद सिर्फ रसायन के ही बताए गए हैं। अब आते परिभाषा, जिसके विधिवत सेवन करने से उत्तम रस रक्त आदि धातु की प्राप्ति हो उस विधि का नाम रसायन है। विधिवत मतलब जिसको विधि पूर्वक सेवन करना है, ये बहुमूल्य होते हैं, इनका सेवन सर्वसाधारण पुरुष नहीं कर सकते। सर्वसाधारण क्यों बोला है, क्योंकि जब जो भी इंसान रसायन का सेवन करता है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर वो रसायन के सच में लाभ को पाना चाहता है तो उसे विधिवत सेवन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, इसलिए सर्वसाधारण पुरुष नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे महर्षि जो थे वो बहुत दयालु थे, उन्होंने क्या किया, सर्वसाधारण के लिए आचार रसायन का उपदेश दिया है। इसका प्रयोग कोई भी मनस्वी पुरुष कर सकता है, यह व्यय साध्य नहीं है, इसका प्रयोग शिव संकल्प के साथ ही करना चाहिए। अब वृष्य या वाजीकरण, इसका वर्णन भी चरक चिकित्सा अध्याय 2 के 4 पादों में किया गया है। वाजीकरण के भी 4 पाद बताए गए हैं, जैसे रसायन के 4 पाद हैं। इसका प्रयोग वीर्य को बढ़ाकर उसे सुपुष्ट करने के लिए और रति शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका फल है सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति। इसका सेवन दुराचार में प्रवृत्त होने की इच्छा से कभी नहीं करना चाहिए। अब आती है शोधनोत्तर चिकित्सा। देखिए शोधनकारक चिकित्सा में क्या होता है, जब हम वन विरेचन करवा लेते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, कृश और दुर्बल हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें साली धान्य, साठी धान्य, गेहूँ, मूंग, मांस, घी आदि आहार विहार का सेवन करना चाहिए। और ऐसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए जो रुचिकर हो, हमारे हृदय को प्रिय लगता हो, जो हमारी अग्निवर्धक हो और हमें बल का प्रदान करे। इस प्रकार की आहार विधि के साथ साथ हमें अभ्यंग उद्वर्तन, स्नान, निरोहन और अनुवासन वस्तुओं का भी प्रयोग करना चाहिए। अब आता चिकित्सा का फल क्या होगा, इस प्रकार की चिकित्सा से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, कि क्या होता है कि इस प्रकार का आहार, अभ्यंग, उपटन आदि करने से मनुष्य को सुख मिलने लगता है। सर्वपावक पाठो मतलब पाचक, भ्राजक, रंजक, आलोचक, साधक, इन सभी में कुशलता आ जाती है। बुद्धिवर्ण इंद्रियों की निर्मलता, वृष्टता तथा दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है। अब कुछ होते हैं आगंतुक रोग, ये भूत, विष, वायव्य, अग्निशत, भग आदि संभव, राग द्वेष यथाश्च ते शयुराग गंतवो गदा। मतलब भूतावेश, विष प्रयोग, वायु के स्पर्श से, अग्नि द्वारा जलने, सत, भंग, श्रम आदि कारणों से, अथवा काम, क्रोध, भय, शोक आदि के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें आगंतुक कहते हैं। मतलब जो वातपित्त कफ दोष के द्वारा नहीं, जो बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब आता है निज आगंतुक दोषों का निरोध और शम। निज और आगंतुक रोग या तो उत्पन्न ही नहीं होते, यदि उत्पन्न हो गए हो तो उनकी शांति के लिए निम्न चिकित्सा संबंधी निर्देश दिए गए हैं, जैसे प्रज्ञा अपराधों का परित्याग करना चाहिए, श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए, देश, काल, शरीर और मन का ठीक ठीक ज्ञान रखना चाहिए, सदाचार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, अथर्ववेद में जो शांति कही गई है उसका प्रयोग करना चाहिए, वर्तमान में जो प्रतिकूल ग्रह हो उनका जप, पूजा पाठ, होम, बलिदान आदि करे या कराए, तथा भूत आदि का स्पर्श न करने का प्रयत्न करें। अब आता है शोधन योग के ऋतु, मतलब हमें किन किन ऋतु में शोधन कराना चाहिए। हेमंत ऋतु में कफ दोष का संचय होता है तो उसका शोधन हमें वसंत ऋतु में कराना चाहिए। ग्रीष्म में क्या होता है, वात दोष का संचय होता है तो उसका शोधन हमें वर्षा ऋतु में कराना चाहिए। वर्षा ऋतु में पित्त दोष का संचय होता है तो उसका संशोधन हमें शरद ऋतु में करवाना चाहिए। अगर जो समय समय पर संशोधन करवाते रहते हैं ऐसे मनुष्य को रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे कि मैंने ट्रिक बनाई है, दोष संचय ऋतु, शोधन योग्य ऋतु। कफ दोष का संचय हेमंत ऋतु में हो रहा है तो उसका शोधन हम वसंत में करवाएंगे। वात दोष का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है तो उसका शोधन हम वर्षा ऋतु में कराएंगे। पित्त दोष का संचय वर्षा ऋतु में हो रहा है तो उसका शोधन हम शरद ऋतु में कराएंगे। और स्वस्थ रहने के उपाय क्या होंगे, नित्य हिता आहार विहार सेवी समीक्षा कार्य विशेष शक्त दाता सम सत्य पर क्षमावान आप सेवी चाहे भवत्य रोगे। मतलब सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला मनुष्य, किसी भी कार्य को भली बातें देख कर करने वाला, नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियों के विषय में आसक्त न रहने वाला, सदा सत्पात्रों को दान देने वाला, सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, सत्य भाषणशील, क्षमा करने वाला, आप्तजनों की सेवा करने वाला, सदा निरोग होता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।